नई खरीदारी के कारण सोयाबीन दिसंबर वायदा की कीमतों में बुधवार को 4.4% का उछाल दर्ज किया गया था। भारत में सोयाबीन की कीमतों में एक हफ्ते में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि भारत के कई किसान सोयाबीन को तिलहन प्रोसेसर को बेचने की बजाय रोक कर रख रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। पोल्ट्री ने पहले सरकार से सोया खली के आयात की मांग की थी, उसके बाद अब पोल्ट्री फिर से सोया खली के आयात की अवधि की बढ़ाने की मांग कर रही है। सोपा ने इसका विरोध भी जताया है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की मार्च 2022 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग है। पिछले सीजन 12 लाख टन सोया DOC इंपोर्ट की अनुमति मिली थी। सोपा के अनुसार अक्टूबर में सोयाबीन की आवक पिछले साल के 18 लाख टन की तुलना में 15 लाख टन कम रही है। खाद्य तेल के आयात में गिरावट के कारण सोयाबीन की पेराई मांग में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आयातित तेल सस्ता होने की वजह से प्लांटों को काफी नुकसान भी हो रहा है। दूसरा, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से भी एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। एक्सपोर्ट डिमांड में कमी देखने को मिली है। चीन की तरफ से सोयाबीन की डिमांड में कमी आई है। दूसरा, सोयाबीन वायदा में 5% का एडिशनल मार्जिन लगने से भी इसकी कीमतों पर दबाव बना है। वहीं USDA की नवंबर की मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोयाबीन का उत्पादन महीने दर महीने 8% बढ़कर 11.9 मिलियन टन हो गया है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। सोयाबीन की कीमतों में बड़ी तेजी के बाद गिरावट बनती जरूर दिखाई दी है, लेकिन फंडामेंटली कीमतों को सपोर्ट बना रहेगा। एक बार फिर से कीमतों में एक अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। अमित सजेजा के मुताबिक NCDEX वायदा में सोयाबीन की कीमतें जब तक 5600 से 5700 तक नहीं गिरती हैं, तब तक सोयाबीन में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। सोयाबीन छोटी अवधि में 6650 का स्तर दिखा सकती है, और कीमतें अगर तेजी की ओर ज्यादा निकलती हैं तो अमित सजय के मुताबिक सोयाबीन की कीमतें ऊपर में 7000 से लेकर 7150 का स्तर भी दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV.